आज अनुवांशिकी पाठ के अंतर्गत हम लोग मेंडल के दो नियमों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला नियम था प्रभाविकता का नियम और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। आज हम लोग मेंडल के तीसरे नियम पर स्वतंत्र अपव्ययन के नियम पर चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुसार यह नियम जो है हमारा द्वि संकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण मतलब क्या होता है कि जब मेंडल के द्वारा लिए गए किन्हीं दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तब उसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो यहां पर मेंडल ने ये बताने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने बीज का रंग और बीज की आकृति दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया, जैसे बीज का रंग पीला और बीज की आकृति गोल और इसके विपरीत अप्रभावी लक्षण है बीज का रंग हरा और आकृति है झुर्री दार। तो मेंडल ने यह बताया कि जनक पीढ़ी में लक्षण जिस प्रकार से जिस संयुग्मन के साथ होते हैं तो आगे की पीढ़ी में ये आवश्यक नहीं होता है कि वो लक्षण उसी प्रकार संयुग्मन में आगे प्रदर्शित करें। कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण के साथ अपने लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र अपव्ययन का नियम भी कहते हैं। मतलब क्या, अर्थात क्या कि आवश्यक नहीं है कि हमेशा पीला बीज जो है वो गोल आकृति का ही होगा। ये भी हो सकता है कि पीला बीज जो है वो झुर्रीदार आकृति का हो और हरा बीज जो है जो वो है गोल आकृति का हो। इसलिए इसे जो है गुणों के स्वतंत्र अपव्ययन या गुणों के स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम भी कहते हैं। जैसे पीले रंग के लिए कैपिटल वाई और गोल बीज के लिए कैपिटल आर लेते हैं, वहीं हरे बीज के लिए कैपिटल वाई का स्मॉल लेटर स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए कैपिटल आर का स्मॉल लेटर स्मॉल आर लेते हैं। इनमें से एक पौधा फीमेल के समान व्यवहार करता है, दूसरा पौधा मेल पौधे के समान व्यवहार करता है। जब इनका इनमें युग्मक बनते हैं, चूंकि ये पैतृक पीढ़ी है और यहाँ पर जितने भी दोनों जो लक्षण हैं पीला गोल और हरा झुर्रीदार ये समयुग्मजी लक्षण हैं, इसलिए इनमें जो युग्मक बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनते हैं। दोनों में युग्मक जैसे इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर और इसमें युग्मक बनता है स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब कैपिटल वाई का संकरण स्मॉल आर के साथ कराते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई के कारण से ये इस पौधे के बीज का जो रंग है वो पीला होगा और कैपिटल आर के कारण से
इसके बीज की आकृति गोल होगी। इसी प्रकार से इन दो युग्मकों के बीच में जब संकलन कराया जाता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहां पर भी कैपिटल वाई के कारण से बीज पीला और कैपिटल आर के कारण से गोल होता है। इसी प्रकार से ये अन्य एक संयुग्मन में देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर भी जो बीज है वो पीला और गोल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहां पर जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वे सभी पीले और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। प्रभाविकता के आधार पर यहाँ पर पीले और गोल बीज वाले ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जब मेंडल ने इन विषम युग्मजी F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में जब स्वयं परागण कराया तो F2 पीढ़ी में ये जो दो कॉम्बिनेशन लिए गए हैं पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार, तो देखा F2 पीढ़ी में दो और नए प्रकार के कॉम्बिनेशन पाए गए। वे दो नए कॉम्बिनेशन कौन से थे कि पीला बीज जो था वो झुर्रीदार था और हरा बीज जो था गोल था। इसलिए चूंकि F2 पीढ़ी में जो दो लक्षण हैं और उनके जो दो विपरीत गुण हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है कि F2 पीढ़ी में भी उसी प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी के दो पौधे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है, इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो यहां पर चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। चार प्रकार के युग्मक, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इसी प्रकार से दूसरे जनक में भी चार प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। ये भी वही होते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये युग्मक इस पौधे के, ये पौधा आपके मेल पौधे के समान व्यवहार कर रहा है और ये पौधा फीमेल पौधे के समान। तो F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में जब स्वयं परागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि कैपिटल इसका और इसका जब, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये पौधा जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर के कारण से पीला और गोल होता है। इसी प्रकार से इसका उसका जब संकरण कराया गया तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पर भी कैपिटल वाई के कारण से पीला और कैपिटल आर के कारण से गोल प्राप्त होता है। और यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसके कारण से भी ये पीला और गोल प्राप्त होता है। और यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके कारण से भी ये पौधा पीला और गोल प्राप्त होता है। अब दूसरे लाइन में देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई के कारण से पीला, कैपिटल आर के कारण से गोल होता है।
इसी प्रकार से यहां पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के कारण से पीला, कैपिटल आर के कारण से गोल प्राप्त होता है। तो चार और दो छह, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई के कारण से पीला, कैपिटल आर के कारण से गोल बीज प्राप्त होता है। और यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के कारण से पीला और कैपिटल आर के कारण से गोल बीज प्राप्त होता है। तो चार दो छह और दो आठ हो जाते हैं, और इसके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसके कारण से भी ये पीला और गोल बीज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो नौ पौधे जो होते हैं वो पीले और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। अब तीन यहां पर नए प्रकार के कॉम्बिनेशन अर्थात पीले और झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं पीले और झुर्रीदार कहाँ प्राप्त होते हैं। तो इसका जब संकरण इसके साथ कराया जाता है तो हम देखते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो यह पीला और झुर्रीदार होगा। एक तो ये हो गया पीला और झुर्रीदार। उसी प्रकार से इसका संकरण जो इसके साथ कराया जाता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के कारण से पीला और स्मॉल आर स्मॉल आर के कारण से झुर्रीदार। तो ये दो बीज कैसे हो गए, पीले और झुर्रीदार। अब एक और बचता है, तो यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो ये पौधा भी कैपिटल वाई के कारण से पीला और कैपिटल आर के कारण से झुर्रीदार प्राप्त होता है। तो ये नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होता है कि जो कि पैतृक पीढ़ी में पीला और गोल लक्षण था, लेकिन यहाँ पर एटू पीढ़ी में पीले और गोल के साथ साथ पीला और झुर्रीदार भी प्राप्त होता है। वहीं पर तीन पौधे तीन बीज जो होते हैं वो हरे और गोल आकृति के प्राप्त होते हैं। अब वो तीन कहां कहां पर हैं इसको देखेंगे। यहां पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के कारण से हरा और कैपिटल आर के कारण से गोल प्राप्त होता है। वही इसका और इसका जो संगण कराया जाता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहां पर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो स्मॉल वाई के कारण से आपके हरा और कैपिटल आर के कारण से गोल प्राप्त होता है। और वहीं पर स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये हरा और झुर्रीदार होता है। तो एक पौधा जो होता है वो हरा और झुर्रीदार होता है। तो इस प्रकार से एटू पीढ़ी में 9:3:3:3 में लक्षण विभक्त होते हैं। अब हम यहां पर दूसरा एक मेंडल के दो नियमों के तीन नियमों के अतिरिक्त अब एक और नया नियम है जिसको हम प्रभाविकता के नियम से अलग देखते हैं कि कुछ पौधों में जरूरी नहीं है
की प्रभाविकता का नियम पूर्णता लागू होता हो, तो यहाँ पर इससे प्रभाविकता के नियम से विचलन का नियम है, अपूर्ण प्रभाविकता का नियम, अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। इस नियम की खोज 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। इन्होंने एक फूलों वाला पौधा होता है जिसे हम गुलाबास कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। तो कॉर्ल कोरेंस ने ये देखा कि गुलाबास के लाल, शुद्ध लाल और सफेद पौधे के फूलों वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराते हैं तो यहाँ पर मेंडल के प्रभाविकता का नियम पूर्णता लागू नहीं होता है। मेंडल के नियम के अनुसार क्या था कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प के साथ कराया जाता है तो एवन पीढ़ी में लाल पुष्प पौधे प्राप्त होने चाहिए थे, परंतु कॉर्ल कोरेंस ने देखा कि गुलाबास के पौधे में मेंडल के नियम के अनुसार लाल रंग वाले पुष्प प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि लाल और सफेद इन दोनों के मध्यमार्गी जो लक्षण है अर्थात गुलाबी गुलाबी लक्षण प्राप्त होता है, इसीलिए कॉर्ल कोरेंस ने से अपूर्ण प्रभाविकता का नियम कहा है या इसे हम मध्यम लक्षण प्रारूप या सम मिश्रण अनुवांशिकी के नाम से भी जानते हैं। जैसे इन्होंने कॉर्ल कोरेंस ने बताया कि शुद्ध लाल और सफेद ये पैतृक पीढ़ी है, हमारी पैतृक पीढ़ी है, एक पौधा फीमेल पौधे के समान कार्य करता है, दूसरा पौधा मेल पौधे के समान कार्य करता है, तो इसमें जब युग्मक बनते हैं तो सफेद पुष्प में एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे और लाल पुष्प में भी एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। तो क्या देखते हैं कि एवन पीढ़ी में जितने भी पौधे होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मेंडल के नियम के अनुसार ये सभी पौधे इनके फूलों का रंग लाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सभी फूलों का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। कॉर्ल कोरेंस ने मेंडल के अनुसार ही एवन पीढ़ी के पौधों के बीच में जब स्वय परागण कराया तो देखा कि F2 पीढ़ी में लक्षणों के जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात एक समान ही होता है, अर्थात 1:2:1, अर्थात एक पौधा लाल पुष्प वाला, दो पौधे गुलाबी पुष्प वाले और एक पौधा सफेद पुष्प वाला होता है। कैसे हम देखते हैं जब कैपिटल आर के बीच में जब संकरण होता है तो यहाँ पर इस पुष्प का रंग लाल होगा और इसके बीच में जब संकरण कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, इसका रंग गुलाबी होगा और इसका और स्मॉल आर कैपिटल आर का जब संकरण होता है तो इसका भी रंग गुलाबी होता है और यहाँ पर स्मॉल आर का जब संकरण कराया जाता है तो इसका रंग सफेद होता है। तो देखते हैं कि F2 पीढ़ी में
गुणों का अनुपात एक जीनोटाइप और अर्थात दृश्य रूप अनुपात कि देखने में एक फूल जो है लाल, दो फूल गुलाबी और एक फूल सफेद होता है। तो हम देखते हैं जो समयुग्म की प्रभावी पौधा है उसके तो फूल का रंग लाल है और जो दो विषमयुग्म की प्रभावी गुण वाला है उनका रंग मध्यमार्गी अर्थात गुलाबी है और जो दो अप्रभावी लक्षण है उनका रंग सफेद है। तो इस प्रकार से हमने अब तक इन वीडियो के माध्यम से मेंडल के तीन नियमों और एक उनसे विचलन का नियम सीखा। शेष नियम हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।